ब्रेड का नाश्ता हम खाली इतनी सी चीज़ों से और थोड़े से कुछ मसालों के साथ बनाएंगे, झटपट तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। ब्रेड को बाउल में एकदम झीने झीने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब इसमें हम 2 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये 2 मिनट हो गए हैं। अब इसी में हम थोड़े थोड़े मसाले डाल लेंगे स्वाद अनुसार। मिर्ची, लाल मिर्ची है, चुटकी भर हल्दी, और थोड़ी सी शक्कर, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सब डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। हम इसमें राई, जीरा और थोड़ा सा सफ़ेद तेल डाल देंगे। जब ये चटक जाएगा, ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। हमने 2 डाली है, आप के अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो हमारी मिर्ची भी थोड़ी सी होगी। अब इसमें हम प्याज कटी हुई डाल देंगे। और इसको ही अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ी हल्की हल्की गुलाबी कलर आ जाए, डार्क गुलाबी जैसा रखने का, एकदम जला नहीं देनी है, पर फिर भी भून लें इसको। एक दो बार चला देते हैं। हमारी प्याज अब हमें जैसी चाहिए हो गई है, इससे ज़्यादा लाल नहीं करनी है। अब हमने ये जो ब्रेड को भिंगा के और सब मसाले मिला के रखे हैं उसको इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से चला के थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे वो स्वाद अनुसार। और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। और थोड़ा सा इसमें नींबू गाड़ देंगे। फिर मिक्स करके इसको हम फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। दो तीन मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के हम देख लेते हैं। देखिए हमारा एकदम नाश्ता रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। बच्चे का खेल के आ रहे हैं या एकदम से बोलते हैं भूख लगी है तो हम इसको बना के दे देंगे। इसको तो हम ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं। लंच में तो लंच बॉक्स में हम दे सकते हैं बच्चों को। हाँ, और बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है।